आज मैं आपको कढ़ी बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी, जो सिर्फ 1.5 घंटे में रेडी हो जाएगी। चले आए, मैं आज आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। जिसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg दही, 2 tablespoons ऑयल, 1/2 cup बेसन, दरमियाने साइज की प्याज बारीक कटी हुई, 1 tablespoon हल्दी, 1 tablespoon पिसी हुई लाल मिर्चें, 2 tablespoon लहसुन अदरक पेस्ट, 10 से 12 कड़ी पत्ते और पानी 1 jug। पैन उस स्टोव पर रख लिया है और उसमें मैंने ऑयल डाला है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे और उसको ऑयल में भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। स्लो फ्लेम पे भूनना है ताकि बेसन का कलर डार्क ना हो। जब आप बेसन को पहले भून लेते हैं तो फिर कढ़ी का कुकिंग टाइम 1.5 hours रह जाता है। इसको बनाना आसान है। जैसे हमारे बड़े पहले बनाया करते थे कि सुबह में कढ़ी बनाने के लिए रखी है तो सारा दिन कढ़ी हल स्लो फ्लेम पे पक के जा रही है और शाम में जाके वो कढ़ी तैयार होती थी। तो ये जो मैं तरीका बता रही हूँ, ये सबसे आसान तरीका है और आप इसको जल्दी बना सकते हैं और ये बहुत मज़ेदार बनेगी। ये देखें, बेसन रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड पर रखेंगे। अब हम दही में भुना हुआ बेसन डालेंगे। उसके बाद हम बाकी मसाले डालेंगे, मिर्चें, लहसुन अदरक, हल्दी। और हम इसमें सॉल्ट नहीं डालेंगे क्योंकि सॉल्ट अगर स्टार्ट में डाल दिया जाए तो कड़ी जो है वो कड़वी हो जाती है। तो जब कड़ी रेडी होगी तो लास्ट में हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। मिक्स कर लिया है इसको मैंने। अब मैं इसको बीटर से बीट करूंगी ताकि बेसन और दही की फुटकियां ना बने। ये देखें व्यूअर्स, मैंने अच्छी तरह इसको हैंड बीटर से बीट कर लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं। ऐसा होना चाहिए फ्लफी सा कि जब हम इसमें वाटर डालें तो बेसन या दही के पीसीस ऊपर ना आए। इसको 5 मिनट्स तक मैंने बीट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे पैन में हम डालेंगे और उसके बाद और क्या क्या चीज़ें डालेंगे। देखें, सबसे पहले हम पैन में ये बेसन और दही का पेस्ट डालेंगे। जिस बॉल में हमने बीट किया था बेसन, उसको हम अच्छी तरह उसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, और सारा बेसन और मसाला जो है ताकि वो वेस्ट ना हो उसको भी हमें यूज़ करना है, रिस्क को ज़ाया नहीं करना। मैंने ये इसमें पानी डाल दिया है। हमें इसमें 1 jug पानी डालना है। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें 1/2 jug और डाल दें। मेरा ख्याल है कि मैं इसमें 1/2 jug और डाल देती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैं इसमें 1/2 jug और डाल रही हूँ। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद अब मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज भी ऐड कर देती हूँ और कड़ी पत्ते भी। अब मैं स्टोव ऑन कर रही हूँ, हाई फ्लेम पे पकाना है और मुसलसल इसमें स्पून को चलाते रहना है ताकि बेसन नीचे ना लगे। जैसे ही इसमें बबल्स बनना शुरू होंगे, इसमें मैं स्टील का स्पून डाल दूंगी और इसको ढक के रख दूंगी। स्लो स्लो इसको चलाते रहना है। जैसे ही बबल्स बनेंगे मैं आपको दिखाऊंगी और फिर इसको हम कवर करके हल्की आंच पर रख देंगे। आप देखेंगे कि ये बहुत लजीज बनेगी और झटपट तैयार होगी। आप वो तरीका भूल जाएंगे कि 4-4, 5-5 घंटे तक जो है कढ़ी पक रही है, सुबह में चढ़ी है तो हमारी अम्मी ने सुबह में बनाई है तो पकने रखी है, शाम में हमें खाने को मिलेगी। ये रेसिपी ऐसी है कि आपने सुबह में चढ़ाई है, बच्चे जब दोपहर में आएंगे तो खाना रेडी होगा। इसमें उबाल आ गया है। जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू हुआ, मैं इसकी फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया। इसमें मैं देखें, मैं ये 1 स्पून डाल रही हूँ। आप कोई भी स्टील का स्पून डाल सकते हैं, लेकिन मेरी दादी इसमें जो
मिट्टी के प्याले होते थे वो डाल दिया करती थी। उससे ये होता है कि जब आप इसको कवर करके रखेंगे तो कढ़ी उबलेगी नहीं और बाहर नहीं आएगी। चलिए अब हम इसको कवर कर देते हैं, 1 आवर के बाद चेक करेंगे। चलिए जितनी देर में व्यूअर्स कढ़ी रेडी होती है उतनी देर में हम फुलकियों का बेसन फेंट लेते हैं। हमें इसके लिए 1.5 कप चाहिए बेसन, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चे, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चे, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, 6 से 7 हरी मिर्चे बारीक कटी हुई, 1 कप चॉप की हुई प्याज, 1 दरमियाने साइज का आलू चौकोर कटा हुआ और 1 कप हरा धनिया और पानी हसब जरूरत पेस्ट बनाने के लिए। पानी डाल के बेसन को अच्छी तरह पहले फेंट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं बेसन फिट गया है। अब मैं इसमें बाकी चीजें ऐड करती हूँ, कुटी हुई मिर्चे, पिसी हुई मिर्चे, चाट मसाला, जीरा पाउडर, साबुत जीरा, नमक। पहले इस मसाले को मिक्स कर लें, उसके बाद कटी हुई सब्जियां डालेंगे, हरी मिर्ची, प्याज, कटे हुए आलू, हरा धनिया। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बेसन को आप जितनी देर तक फेंटेंगे उतनी ही अच्छी बनेंगी फुलकियाँ। ये देखें ये फिट चुका है। चलें अब हम फ्राई करते हैं इसको। हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है, आप देखें हमें बस इतना थिक रखना है। इसको चूल्हे से उतार कर साइड पर रख लिया है, इसकी फुलकियां फ्राई करेंगे। इसे साइड पर करते हैं, पैन में ऑयल डाल लिया था, इसमें फुलकियां बनाएंगे। अब जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगी फिर हम इनको कढ़ी में डालेंगे। रेडी हो चुके हैं, ये ब्राउन हो रहे हैं, बस हम इसको 1 मिनट में ही निकालेंगे। अच्छा सा कलर आना चाहिए इसका। अब ये हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं, अच्छी तरह इसका ऑयल निकाल लें। इसी तरह हम बाकी भी सारे इसकी फुलकियां बना लेंगे और फिर उसके बाद कढ़ी में डालेंगे। कढ़ी में मैंने पहले नमक नहीं डाला था, अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद स्लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। जितनी देर में ये हो रही है इतनी देर में हम बघार कर लेते हैं। मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है 1/2 कप, इसमें अनियन डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, साथ ही 7 से 8 साबुत मिर्चे डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी फिर हम इसमें 5 से 6 हरी मिर्चे डालेंगे। मैंने इनको सेंटर में से कट लगा दिया है ताकि ऑयल में जाके ये फटे ना। इस तरह आप जल भी सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, जैसे प्याज ब्राउन होनी शुरू हुई मैंने इसमें हरी मिर्चे और 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है। अब जैसे ये डार्क ब्राउन होगी हो रही है, साथ ही हम कढ़ी में पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क देंगे और फिर इसमें बघार डालेंगे। ये देखें गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है, मैंने इसमें पकौड़े भी डाल दिए हैं और पिसा हुआ गरम मसाला भी। अब हम इसमें ये बघार डाल रहे हैं। कढ़ी रेडी हो चुकी है, कैमरे में दिखा देती हूँ। ये देखें कढ़ी रेडी हो चुकी है, अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये देखें व्यूअर्स कढ़ी तैयार हो चुकी है 1.5 घंटे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कढ़ी पसंद आएगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।